सावन के शुभ अवसर पर जयरामपुर कोइलवरी स्थित बूढ़ा बाबा मंदिर में 9 दिवसीय रामचरित मानस यज्ञ किया जा रहा है, जहां दूर दूर से आए आचार्यों के द्वारा प्रतिदिन संध्या 8 बजे से प्रवचन किया जा रहा है। वहीं मंदिर के कमेटी मेंबरों ने क्षेत्रों में हो रहे यज्ञ में सभी माता एवं बहनों से आग्रह किया कि ज्यादा से ज्यादा लोग यज्ञ में पहुंचे और प्रवचन कथा को सुने और पुण्य का भागी बने। वहीं इस यज्ञ के कथावाचक रामनंदन शास्त्री ने कहा कि इस मंदिर के प्रांगण में वर्षों से यह यज्ञ होता आ रहा है और इस यज्ञ के होने से समस्त लोगों की मनोकामनाएं सिद्ध होती हैं। आनंद जी, ये कौन सा यज्ञ हो रहा है और कितने दिनों के लिए? यह यज्ञ श्री श्री 108 श्री रामचरित मानस नवापारायण महायज्ञ है। बहुत दिनों से ये यज्ञ होता आ रहा है, लेकिन 2010 से मैं लगातार यहाँ आ रहा हूँ। केवल एक वर्ष हमारी अनुपस्थिति रही कोरोना काल में, बाकी लगातार मैं आता ही आ रहा हूँ और लोगों का मान सम्मान काफ़ी मिल रहा है। लोगों में ये देखता हूँ कहीं कहीं बार बार कोई काम होने से श्रद्धा थोड़ी कम होती है, लेकिन यहाँ के लोगों में श्रद्धा और प्रेम बरकरार ज्यों का त्यों बना हुआ है। रामचरितमानस का पाठ श्रवण करने से या इसकी कथा सुनने से आत्मकल्याण होता है, जन जन का कल्याण होता है, लोगों को शांति मिलती है, साथ साथ अपने आप को इस बात का पहचान हो जाता है, जानकारी मिलती है कि परमात्मा ने इतना कीमती शरीर, इतना सुंदर शरीर हम तमाम को क्यों दिया, इसका उचित कार्य क्या है। इन तमाम बातों की जानकारी श्री रामचरितमानस पढ़ने से मिलती है। अंदर जो अज्ञान अंधकार भरा हुआ है वो बदल जाता है, हमारे आँख में जो काट की चश्मा लगी है वो चश्मा दूर चली जाती है और हमें अपने आप को ये मैं क्या हूँ इस बात की जानकारी मिलती है। फिर हमारे मार्ग बदल जाते हैं, मैं सही रास्ते में चलता हूँ। तो रामचरितमानस हमारे जीवन के लिए बड़े एक अनूठी चीज है, जिन्हें सबों को ये मानस का पारायण करना चाहिए, अपना परिचय कथा श्रवण करनी चाहिए। साथ साथ मैं गिरिडीह जिला ग्राम लता की थाना जमुआ